मैं हूं आपके साथ आयुष्मा और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। जानवी कपूर का बॉलीवुड डेब्यू इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी पहली फिल्म धड़क 20 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। जानवी से उनके पसंदीदा एक्टर के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि मैं ओम शांति ओम फिल्म की दीवानी हूँ। मैं और खुशी शाहरुख और दीपिका के बीच हुए कई रोमांटिक सीन को कई बार करते थे। जानवी ने बताया कि टाइटैनिक फिल्म का हिट सीन तो मैंने खुशी के साथ किया है। हाथों को फैलाए कई बार मैं टाइटैनिक फिल्म की एक्ट्रेस रोज के डायलॉग बोलती और वो एक्टर जाग के। मुझे वो फिल्म और उसके कई सीन बेहद पसंद है। हाल ही में एक इंटरव्यू में जानवी ने कहा कि वो बड़े पर्दे पर मधुबाला, मीना कुमारी और वहीदा रहमान जैसा जादू लाना चाहती हैं। जानवी ने कहा कि मैंने मधुबाला जी को मुगले आजम, चलती का नाम गाड़ी और मिस्टर एंड मिसेस बचपन में देखा है। मैंने खूबसूरत वहीदा जी को गाइड, प्यासा और मीना कुमारी जी को पाकीजा, साहब बीवी और गुलाम में देखा है। इन्हें देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ, इसलिए मैं इनके जादू को पर्दे पर फिर से पैदा करना चाहती हूँ। मैं जब भी ये फिल्में देखती हूँ तो मैं प्रेरित होकर खुद से कहती हूँ कि मुझे ये सब दोहराना है। जानवी ने आगे कहा कि इन सब में मैं अपनी पहचान की समझ बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि प्रसिद्धि के पागलपन में मानसिक संतुलन खोना बहुत आसान होता है। मुझ पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लोग मेरे बारे में, मेरी तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं प्रतिदिन अपने बारे में पढ़ रही हूँ। मेरे लिए इस समय ये सोचना बहुत आसान है कि मैं दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। अपने करियर के बारे में बात करते हुए जानवी कहती हैं कि भविष्य में मेरे बारे में लोग तभी बात करेंगे जब मैं हिट फिल्में देती रहूंगी, नहीं तो सब गलत होगा। लोगों का ध्यान खींचने के लिए मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ, मैं खुद को योग्य बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।